तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले स्ट्रेट ड्रैग, रोटेशन ड्रैग और डाउन अप ड्रैग को मास्टर करना है और उसके बाद आपने मिक्स ड्रैग करना सीखना है। जब आप इन सब ड्रैग तकनीक को अच्छे से करना सीख जाओगे उसके बाद आपने इन सबको आपस में मर्ज करके मिक्स ड्रैग करना। मिक्स ड्रैग का मतलब है कि आपने स्ट्रेट ड्रैग, रोटेशन ड्रैग को जोड़ देना है, रोटेशन ड्रैग और डाउन अप ड्रैग को जोड़ देना है, मतलब कि मिक्स तरीके से ड्रैग करना है। जितने भी फास्टेस्ट प्लेयर होते हैं जो कि काफी ज्यादा फास्ट खेलते हैं मोबाइल में, आपने उनके फायर बटन को अगर नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि वो अपने फायर बटन को अजीब तरीके से घुमाते। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ मिक्स ड्रैग आपने कैसे करना है और आपने कौन कौन सी ड्रैग तकनीक को आपस में मर्ज करना है। तो हमारी गेम के अंदर तीन ड्रैग तकनीक है, स्ट्रेट ड्रैग, रोटेशन ड्रैग और डाउन अप ड्रैग। अभी हम इन तीनों को आपस में मिक्स कर देंगे और एक नया ड्रैग बना। सबसे पहले हम स्ट्रेट ड्रैग और रोटेशन ड्रैग को आपस में मिक्स करेंगे। जैसे हम नॉर्मल सा स्ट्रेट ड्रैग करते हैं ऐसे सीधा ऊपर को फायर बटन को ड्रैग किया, वेपन स्विच किया और ये हमारा स्ट्रेट ड्रैग हो गया। आज के बाद आपने ऐसा नहीं करना है। स्ट्रेट ड्रैग करने के बाद आपने अपने फायर बटन को किसी भी साइड को घुमा देना है, जैसे हम रोटेशन ड्रैग में घुमाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम अपने फायर बटन को ड्रैग कर देते हैं और उसके बाद हमारा एनमी राइट या फिर लेफ्ट साइड को भाग जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है कि अपने फायर बटन को उसी साइड को खींच दें। स्ट्रेट ड्रैग करने के तीन तरीके हैं, 1, 2 और 3। और जब हम इसमें रोटेशन ड्रैग को मिक्स कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, स्ट्रेट ड्रैग इस तरीके से यहाँ को, यहाँ को और यहाँ से यहाँ को और यहाँ को। तो इसके बाद हम स्ट्रेट ड्रैग और डाउन अप ड्रैग को आपस में मिक्स करते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में मिक्स करें तो ये डाउन अप ड्रैग ही बन जाता है। डाउन अप ड्रैग खास करके इस वाली एम प्लेसमेंट से और यहाँ एनिमी के हेड के ऊपर एम को सेट करके किया जाता है। बट आपने सिचुएशन के हिसाब से जहाँ पे आप स्ट्रेट ड्रैग करने वाले हो और अगर आपको लग रहा है कि शायद से हेडशॉट ना लगे तो आप अपने फायर बटन को थोड़ा सा वहीं पे डाउन करके ड्रैग कर सकते हो। आप हर एम प्लेसमेंट से हर ड्रैग को मिक्स करके कर सकते हो, बट इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। इसके बाद हम एंड में मिक्स करेंगे रोटेशन ड्रैग और डाउन अप ड्रैग। बहुत ज्यादा क्लोज रेंज में अगर आप रोटेशन ड्रैग करते हो तो आपका हेडशॉट लग जाता है, बट हर बार नहीं भी लगता है, कई बार लग भी जाता है। बट इसी जगह पे अगर आप रोटेशन ड्रैग करने से पहले अपने फायर बटन को डाउन ड्रैग कर दो तो और ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। क्लोज रेंज की फाइट में अगर आप स्ट्रेट ड्रैग कर रहे हो या फिर रोटेशन ड्रैग कर रहे हो, आप कोई भी ड्रैग कर रहे हो उससे पहले आपको डाउन ड्रैग जरूर से करना चाहिए। जब हम अपने फायर बटन को डाउन करके ड्रैग करते हैं तो इससे हेडशॉट लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आज के बाद आपने क्या करना है, स्ट्रेट ड्रैग, रोटेशन ड्रैग और डाउन अप ड्रैग को नहीं करना है, आपने इन सबको मिक्स करके मिक्स ड्रैग करना। और आपको इन सब ड्रैग तकनीक का सिचुएशन के हिसाब से यूज करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप गेम के अंदर खेलने जाओगे, फिर आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि कहां पे आप मैंने किस तरीके से ड्रैग कर। तो मैंने आपको हर ड्रैग तकनीक के बारे में बता दिया था, बस यही बताना बाकी था। और आज की वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया, आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उन सबको देख के आप एक प्रोफेशनल वन टैप प्लेयर बन सकते हो। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा छोटी थी क्योंकि मैं आपको सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहता था और ये काफी ज्यादा जल्दी ही कम्प्लीट हो गई। तो बस फिर गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।